तो दोस्तों, मैं हूं आपका उषा लड़िक, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है सुजुकी जिक्सर SF 150 की। हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर BS6 में क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको 155 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर ये आपको जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 13.4 BHP की पावर निकाल के देगा, और मैक्सिमम टॉर्क आपको जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देगा, जो कि पहले के मुकाबले में और कम कर दिया गया है। जो यार देखो ऐसा है, मुझे तो भाई खैर स्टार्टिंग से पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका फेयरिंग और लुक इसका बहुत औसम है। अगर आप इसको किसी छोटी जगह पर भी चलाओगे तो भी औसम है, और किसी पार्टी वार्टी में भी इस बाइक को लेके जाओ तो यार तब भी औसम है। मतलब लुक इसका टोटली उसका औसम ही लुक है। रही बात इसका माइलेज, तो यार मुझे स्टार्टिंग से इस बाइक का माइलेज बहुत अच्छा लगता था कि लोगों को इससे इस बाइक से 45 से 50 तक का भी माइलेज मिल रहा है। अब थोड़ी सी पावर कम हो गई है, वहाँ पे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन जो ये माइलेज निकाल के देखिए, जैसे माइलेज लवर जो लोग होते हैं जिनको यार माइलेज चाहिए होते हैं, माइलेज के साथ उनको लुक नहीं मिलता या कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते, तो माइलेज अब ये बड़े ही प्यार से आपको 60 तक का तो माइलेज निकाल के देगी। 55 से 60 तक तो कहीं नहीं गया इसका माइलेज। अगर आप इसको और भी ज़्यादा अच्छा चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी ज़्यादा आपको अच्छा माइलेज निकाल के देगी। अगला जो इसके अंदर अपडेट है वो ये अपडेट है कि इसके अंदर कैटलेटर कन्वर्टर लग जाएगा, जिससे इसका जो इंजन का साउंड है वो भी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, जो कि सही है। लोग मीटर कंसोल के अंदर कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ चेंज आएगा, वेंज आएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं आने वाला। बस आपको इसके अंदर एक FI का इंडिकेटर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ चेंज नहीं आने वाला है। अगला जो अपडेट है वही अपडेट है कि इसके अंदर कुछ नए ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, जो कि BX6 की तरह ही होंगे, मतलब BS4 की तरह ही होंगे, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं लगने वाला। हाँ, लेकिन चलाने में आपको फ़र्क लगेगा, क्योंकि पहले जो बाइक थी उसमें 14 BHP की पावर थी और 14 Nm का ही टॉर्क था, लेकिन अब थोड़ा आपको इसमें लगेगा डगमगाता हुआ। बाकी तो टायर साइज़ भी सेम है, ऑलमोस्ट पूरी बाइक सेम है, और ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो करेंगे हमारे बैंक मत खराब करो, क्योंकि तुम्हारे में खराब। और मेरे को और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।